स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ लैपिंग जोन ऑफ ए कॉलम। लैपिंग जोन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो प्रैक्टिकली नॉलेज शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ें। देखिए, ये लैपिंग प्रोवाइड किया गया है, तो लैपिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। देखिए, ये बैक फिलिंग हो रहा है, तो एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ कि बैक फिलिंग का क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं आपको सबको ये दिखाया हूँ। ओके, देखिए, लैपिंग किया जा रहा है, स्टिरअप बाइंड किया जा रहा है कॉलम को स्टेजिंग करके। ओके, चलिए सीखते हैं लैपिंग जोन ऑफ ए कॉलम। लैपिंग जोन होता क्या है कि जहां पे लैपिंग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लैपिंग जोन। अकॉर्डिंग टू कोड, कोड के अकॉर्डिंग लैपिंग जोन को डिफाइन किया गया है। तो देख लीजिए कि ये मान लीजिए ग्राउंड बीम है आपका, प्लिंथ बीम, ग्राउंड बीम है, और ये स्लैब है। स्लैब की और ग्राउंड बीच की जो हाइट है, यानी कि उसको एल से मैं डिनोट किया हूँ, आप एच से भी डिनोट करते हैं, कर सकते हैं। जो हाइट है उस हाइट क्लियर स्पान, यानी कि स्लैब से बॉटम से लेकर के प्लिंथ बीम के टॉप या ग्राउंड बीम के टॉप के जो दूरी है उसको एच से डिनोट कीजिए। तो कोड प्रोविजन ये बोलता है कि टॉप से एच बाई फोर, टॉप से एच बाई फोर, जिसे ये हुआ आपका टॉप से एच बाई फोर, और बॉटम से एच बाई फोर छोड़ करके जो एरिया बचेगा यही लैपिंग जोन होता है। ये लैपिंग जोन एक्चुअली में टॉप बाई फोर छोड़ देंगे आपका, तो ये बचेगा एच बाई टू, तो ये एरिया होता है लैपिंग जोन। क्लियर कि लैपिंग जोन कब होता है? टॉप से एच बाई फोर, बॉटम से एच बाई फोर छोड़ के जो एरिया बचेगा एच बाई टू, इसी को बोलते हैं लैपिंग जोन। और इसी एरिया में मुझे लैप प्रोवाइड करना होता है कॉलम में। लैपिंग प्रोवाइड करते समय ये भी ध्यान देंगे कि मान लिया जाए ये प्लान है कॉलम का, तो इस नंबर ऑफ ए बार कितने, 6। तो लैपिंग ये होता है कि जब भी लैप प्रोवाइड करते हैं शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, एक जगह 50% से ज्यादा लैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक नंबर ऑफ बार कितने, 6 है, तो 3 जो होगा एक जगह 3 नंबर ऑफ बार लैप प्रोवाइड करेंगे और 3 आपका अल्टरनेट दूसरे जगह। अब कैसे प्रोवाइड करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए कि ये लैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये लैपिंग जोन में ही आना चाहिए। लैपिंग जोन हमने बताया कितना, एच बाई टू मिडिल सेक्शन में, मिडिल में प्रोवाइड करेंगे इसी एरिया में, तो ये लैपिंग यहां प्रोवाइड करें और एक दूसरा एक यहां पे प्रोवाइड करेंगे। लैपिंग जोन में भी होना चाहिए, लैपिंग लेंथ को भी मेंटेन करना चाहिए। तो आपका यही मान लीजिए 2 नंबर ऑफ ए बार में अगर प्लान में देखेंगे तो कुछ इसी तरह दिखेगा। जब आप जब फील्ड पे वर्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 नंबर्स ऑफ ए बार। अब देख लीजिए कंडीशन ये होता है कि 50% शुड नॉट बी ग्रेटर देन द 50% से ज्यादा आप एक जगह लैब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए नंबर्स ऑफ ए बार कितने, 6, तो 3 नंबर्स ऑफ ए बार जो लैपिंग करेंगे एक जगह और 3 नंबर्स ऑफ ए बार जो लैपिंग करेंगे एक जगह। ये देखिए मान लिया जाए कि हमने एक लैपिंग किया, ओके, इस एरिया में लैपिंग किया और इससे इसके टॉप में भी एक लैपिंग प्रोवाइड किया, तो ये इस तरह आपको लैपिंग प्रोवाइड करना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये लैपिंग जोन में ही हो, दोनों कंडीशन लैपिंग जोन में हो। ऐसा होगा आप अगर कैलकुलेट करेंगे लैपिंग लेंथ, तो लैपिंग लेंथ लगभग 45 डाया से लेकर के 50 डाया तक लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये 16 mm का अगर बार आपका होता है, 16 mm डाया बार यूज कर रहे हैं, अगर 50D प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जांपल से आप 50D, तो ये कितना हो जाएगा, 800 mm, यानी कि 50 into 60
16, तो इसका इतना mm हो जाए। लैपिंग प्रोवाइड करें तो ध्यान देंगे ये जोगल बार प्रोवाइड करें, ये क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, ये जोगल जरूर प्रोवाइड करें। ओके, इतना आपको कंसिडर करना होता है जब भी आप साइट पे वर्क करा रहे हैं, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि लैपिंग आपका 50% से ज्यादा एक जगह नहीं होना चाहिए, जोगल प्रोवाइड करें लैपिंग जोन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रैक्टिकली नॉलेज आप सबको मिलेगा सीखने को। ओके।